दोस्तों, अगर आपका भी कैनरा बैंक के अंदर अकाउंट है और उसमें अगर आपका यूपीआई बना हुआ है, तो आप अपने यूपीआई को ब्लॉक और अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं, तो इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताएंगे। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो काफ़ी सारे लोगों को क्या करना है कि यूपीआई अपना ब्लॉक करना होता है, कुछ रीज़न चला हो जाता है कि हमें यूपीआई अपना ब्लॉक करवाना होता है, या फिर किसी कारणवश हमें यूपीआई को ब्लॉक करवाना होता है, ठीक है, या फिर अनब्लॉक करवाना होता है। ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक करना है, या फिर अगर आपका ऑलरेडी ब्लॉक हो चुका है तो उसे अनब्लॉक करना है, या फिर अगर आपको कोई दिक्कत है तो ब्लॉक करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या कीजिएगा, आप गूगल में चले जाइए, या फिर आप नहीं जाएंगे तो भी चलेगा, मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया है कि कैनरा बैंक यूपीआई ब्लॉक नंबर, सबसे पहले ब्लॉक कैसे करना है वो समझते हैं। तो यहाँ पे ब्लॉक करने के लिए एक आपको मैसेज भेजना पड़ता है आपके मोबाइल नंबर से, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, सेंडिंग करना है, आपको एक SMS सेंड करना है। इसमें आपको क्या लिखना है, SUS सस्पेक्ट लिखना है, कैपिटल में सारे लेटर्स आने चाहिए, सस्पेक्ट लिखना है। और इसे कहाँ पर भेजना है, 56161 पर, ठीक है, 56161 पर आपके रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर से, रजिस्टर मोबाइल नंबर जो है उसके थ्रू आपको ये सब भेज देना है, ये मैसेज आपको कर देना है। और जैसे आप करेंगे आपका UPI जो है ब्लॉक कर दिया जाएगा, ठीक है। अब अनब्लॉक कैसे करेंगे, ठीक है, अनब्लॉक करने के लिए यहाँ पे कोई भी प्रोसेस वगैरह यहाँ पे जैसे बेसिकली बताया नहीं गया है, क्योंकि अगर आपका UPI ब्लॉक होता है तो वो किस कारणवश हुआ है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए आपने खुद से ब्लॉक किया है तो उस केस में आप सेटिंग में जाकर, अपने UPI सेटिंग में जाकर अनब्लॉक कर सकते हैं, चाहे आप फ़ोनपे गूगल पे जो भी यूज़ करते हैं। और बाकी अगर आपको बैंक की तरफ से आपने बैंक ने आपका जो ब्लॉक कर रखा है तो उसके लिए आपको सीधे से बैंक से कॉन्टैक्ट करना है, बैंक में जाना है और वहाँ पे UPI ब्लॉक या फिर अनब्लॉक करने के लिए आप एक जो है डॉक्यूमेंट मतलब एक कागज़ दे सकते हैं, आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपका हो जाएगा।